हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी कैसे भी पता करते हैं। आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी कहां से चेक की जा सकती है और आप जहां से सिर्फ अपने मोबाइल नंबर से ही चेक कर सकते हैं अपने एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी, जिसके लिए आपको सिर्फ करना क्या होगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया, उस लिंक में टच करना होगा और वो सीधा आपको क्रोम ब्राउजर पे ले जाएगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर कॉमेंट का जवाब मंडे कॉमेंट बॉक्स में लेकर आएंगे। चलते हैं वीडियो। गैस सब्सिडी चेक करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ पे सीधा टच करते आप इस होम पेज पर आ जाएंगे या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं इंडियन ऑयल का। ये सिर्फ है, इसमें सबसे पहले आपको एक आइकन दिखेगा सिलेंडर का एलपीजी, उस पर आपको टच करना होगा सिंपली। जिससे टच करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जिसपे आपको लिखना होगा सब्सिडी स्टेटस। सब्सिडी स्टेटस सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। एक बार गलत हो रहा है, सब्सिडी स्टेटस लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। इसके बाद में सीधा आपको सब्सिडी पहल का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सब्सिडी पहल है, इसमें आपको सीधा टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे आपके सामने एक ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर सब्सिडी नॉट रिसीव्ड, आपको इस पर टच करना होगा। जैसे आप टच करेंगे आपके सामने या तो आप एलपीजी आईडी है तो उससे आप सर्च कर सकते हैं और या फिर आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उससे आप सर्च कर लीजिए। मैं वैसे मोबाइल नंबर से एक बार सर्च कर लेता हूँ क्योंकि मेरा नंबर रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर से भी पता लगाया जा सकता है। मोबाइल नंबर ही मेरा रजिस्टर है तो मैं उसी से पता कर लूंगा अपना। आप देख रहे हो उसी तरह का एलपीजी आईडी है तो आप वहाँ पे टच करने के बाद एलपीजी आईडी डाल देना और उसके बाद में आपको आई एम नॉट रोबोट पर टच करके यदि कोई सिलेक्शन का ऑप्शन देता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे डॉक्टर का ऑप्शन दिया तो यहाँ पर टच करने के बाद वेरीफाई आई एम नॉट रोबोट हो जाएगा, उसके बाद सबमिट पर टच करोगे। जैसे ही आपका कुछ सामने पेज, थोड़ा टाइम लगेगा वेट करने के बाद, कुछ ही सेकंड में खुलकर आ जाएगा। आप देख रहे हो सब्सिडी स्टेशन आ गया है कि आप कहाँ से हैं, मनकापुर इंडियन ग्रामीण वितरक। आप देख रहे हो कितना कितना सब्सिडी आ चुका है, 5 बार हमने सिलेंडर भराया तो पूरा सब्सिडी आया हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो। और यदि आपको कोई दिक्कत या किसी चीज का नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके हर कमेंट का जवाब मंडे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मोबाइल नंबर और सब्सिडी नंबर बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, एलपीजी नंबर नहीं तो मोबाइल नंबर से ट्रेस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलेगा।